हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोना। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि मोना आप अपने जो ये वाला मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है किचन को पहले शेयर करो। किचन को कैसे सजाया है दिखाओ, सजाया क्या है। जैसे ये थोड़ा बहुत है जितना था ऑलरेडी। अगर आपने मेरे ब्लॉग फॉलो करते हुए तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा मैं किस तरह से करती हूँ। पर वो पहले जब हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी किचन का टूर मैंने शेयर किया था, उसमें क्या था ना, वो मॉड्यूलर किचन था। लेकिन ये वाला किचन उससे थोड़ा स्पेशियस है, बड़ा है। ये किचन मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ऑलरेडी अगर आपने मेरा होम टूर ये वाले घर का, नया वाले घर का देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। एंड एक और बात, जो मैंने पहले वाले किचन टूर एंड अब वाले किचन टूर में मैंने चेंजेस किए, मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने अपने बर्तन की जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब पैक करके यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटी है रखने का। ऊपर ऐसे स्लैब है तो मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि पहले जहां पे मैं जहां पे थी तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस था बर्तन रखने के लिए मेरे पास। तो मैं क्या, जो भी बर्तन था मेरे पास मैं सब कुछ सजा के रखी रही थी। मतलब दो या फिर चार लोग होते थे हम लोग, लेकिन फिर भी बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते थे। इसी के लिए किचन में थोड़ा सा मैसी अगर आप कितना भी कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा सामान से किचपिच हो ही जाता है। तो मैंने वो थोड़ा सा इस बार ध्यान रखा है कि बर्तन थोड़ा सा कम कर लो मैं, जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना यूज होता है स्पेशली मैं उतना बाहर रखू। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैंने कैसा क्या किया है। अगर अच्छा लग रहा है इस लाइक करना मत भूलना, एंड अगर चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ पूरा, मतलब एकदम से कैसे दिख रहा है ये। तो कुछ इस तरह से इसका जो स्लैब है एल शेप में है। तो यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप में ये सामान रखा है, मैं आपको डिटेल्स में थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फ्रिज वो कॉर्नर में है, एंड ये एक ही यहाँ पे कवर दिया गया है जिसमें कि आप सामान रख सकते हो या फिर बर्तन रखो, वो आपकी मर्जी है। अगर कुछ एक्स्ट्रा है जो कि मेरे पास था, वो मैंने ऊपर का जो कवर था ऊपर में, उसमें मैंने सारा कुछ वो जो वहाँ पर रख दिया है बॉक्स में। तो अभी दिखाती हूँ ये ऊपर वाले सेल्फ में मैंने क्या रखा हुआ है। यहाँ पे भी वो जो साइड में जो छोटे छोटे बॉक्सेस है उसमें भी ग्लास का प्लेट्स वगैरह ऐसा कुछ है, लेकिन वो हरदम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो ऊपर का वो वाला सेक्शन वैसा है, एंड ये नीचे का अगर आप देखते हो तो ऐसे कंटेनर मैंने बड़ा छोटा करके यहाँ पे रखा हुआ है, जो डिवाइड करती है कौन सा मुझे रेगुलर यूज़ होता है कौन सा मुझे रेगुलर यूज़ नहीं होता है उस तरह से। एंड ये जो स्टैंड है सब्जी का, वहाँ पे साइड में मैंने रखा हुआ है। तो ये जो ऊपर का स्लैब है यहाँ पे सिर्फ जो भी मेरे ग्लास के कप्स वगैरह होते हैं, मग्स है या फिर ग्लासेस है, प्लेट्स वगैरह, ये सब मैंने ये रखा हुआ है। एंड इसका पूरा का पूरा सेट मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस जो भी जो दो चार प्लेट्स है छोटे छोटे उतना मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। एंड ये सेकेंड वाला जो स्लैब था उसमें मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है यहाँ पे, एंड इसमें मैंने जो कि डेली यूज़ होता है हनी, वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये जो बेकिंग सोडा वो डेली यूज़ नहीं होता लेकिन उसी में मैंने रखा है। एंड ये मेरा मेडिसिन है थायराइड का जो कि हरदम लेना पड़ता है, एंड ये भी डेली यूज़ होता है दूध, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए। एंड ये वाला है बेकिंग पाउडर, एंड ये वाला थोड़ा सा जो भी हमारे सीजनिंग्स होते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स है, ओरिगानो यहाँ पे है, वो वाले हैं। एंड यहाँ पे दो मेडिसिन मैंने रखे हुए हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट होते हैं, अगर कहीं पे मैं रख देती हूँ तो भूल देती हूँ। ये है माइग्रेन का, जिनको माइग्रेन होगा उनको पता होगा मेडिसिन कितनी ज़्यादा नेसेसरी होता है पास में रखना। तो उसके बाद यहाँ पे आया ये वाला पोर्शन, एंड यहाँ पे है ऊपर में है ग्रीन टी, ये महेंद्र पीते हैं ग्रीन टी। एंड ये उसके बाद है, उसी के पास मैंने चाय एंड चीनी का डब्बा भी मैंने एक ही साथ में रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी अगर उनको चाय बनाना होता है तो वो अपने से ही ले लेते हैं। उसके बाद ये वाले बॉक्स में ये वाले बिरयानी चावल रखा हुआ है यहाँ पे, अलग से जो चावल होता है नॉर्मल वाला वो बड़ा सा कंटेनर में रखा हुआ है, इतने में नहीं आएगा। तो पास्ता हो गया, सूजी, इडली, रवा, पोहा, फिर सेवैयाँ यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, वर्मसली, एंड ये वाला छोटे वाले जो छोले होते हैं ना उस तरह का वो है ये वाला। एंड ये ब्लैक कलर का आप लोग क्या बोलते हो उसको, मैं हमेशा ब्लॉग में पूछती हूँ, हमेशा आप लोग कमेंट करते मैं भूल जाती हूँ, तो वो है। एंड ये वाला छोले है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मिक्स दाल रखा हुआ है, एंड बूस्ट है। एंड यहाँ पे जो छोटा छोटा कंटेनर है यहाँ पे, ये इसमें स्पाइसेस है, वहाँ पे सरसों है। एंड ये वाले अच्छे प्लास्टिक से, ऐसे कम रेट वाले नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे अभी कि इतने ज़्यादा प्लास्टिक है, तो अगर आप किसी भी रेंटेड हाउस में रहते हो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा कंटेनर ग्लास का करना, लेकिन आप अगर आप कोई बीपीए फ्री अच्छा वाला लेते हो तो भी ठीक है। उसके बाद एक स्टैंड मैंने किया है डिवाइड करके, पोर्शन मैंने उसमें रखा हुआ है यहाँ पे, एंड आई एम सॉरी उसको मैंने उल्टा जॉइंट कर लिया है। यहाँ पे हॉर्लिक्स रखा हुआ है माही का,
तो कभी कभी वो पीडियाश्योर भी लेती है, बहुत लोग पूछते भी है, एंड कभी कभी हॉर्लिक्स भी ले लेती है। एंड यहाँ पे एक ग्लास कंटेनर है यहाँ पे, जो फ्लैक्स सीड्स हो गया या फिर जो भी उस तरह का, इसे छोटे छोटे पाउच में ही मैं खरीदती हूँ, तो उसी के साथ ही मैंने इसमें रखा हुआ है। क्योंकि इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप कंटेनर करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी हो जाता है बाद। ये है शुगर कैंडी का, जो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। अगर आपके बच्चे हैं तो स्पेशली चीनी मत दीजिए, ऐसे पाउडर बना के उनको ये वाला यूज़ करिए। एंड वो पीछे जो था सामान, वो था दाल बनाने के लिए, जो चटनी बनाने के लिए दो तरह का दाल था, वो मैंने वहाँ पे एक ही जगह पे रखा हुआ है। एक्चुअली इस साइड में ना ऐसा एक सिंगल वाला डोर है, ये वाला दो जो डोर है यहाँ पे मैंने ये सामान रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि जैसे दाल चावल, फिर उड़द दाल हो गया या फिर आटा हो गया, जो कि हम लोग को डेली चाहिए होता है, ये वाले सेक्शन में मैंने रखा है। एंड ये वाला जो एक सिंगल ओपन होता है, ज्यादातर ओपन नहीं करना पड़ता है, प्लेट भले एक ही हो लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा सिंगल डोर है। तो इस तरफ यहाँ पे जो भी बढ़िया जो होता है वो मैं रखा हुआ है, ड्राई मैंगो जिसको बोलते हैं वो है ये वाला। एंड यहाँ पे है इमली, मैंने रखा हुआ है ये वाला। एंड यहाँ पे जो भी बढ़िया, ये छोटा सा बड़ी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये मम्मी जब आई थी तब ले गई थी, मुझे नहीं आता बढ़िया बढ़िया डलना, ये वाला है ये वाला बड़ी। तो बस थोड़ा सा बचा है, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये पूरा सेक्शन उसी तरीके का है, जो कि पापड़, इस बॉक्स में पूरे पापड़ ही रखे हुए हैं, जितने टमेटो पापड़ हो गए। एंड यहाँ पे ना चेन्नई में बहुत तरह की, बहुत गर्मी है, मैंने फॉल फैन ऑफ किया है, यहाँ पे चेन्नई में ना बहुत तरह की पापड़ मिलते हैं, आई थिंक हर जगह पे मिलते होंगे, वैसे मुझे उतना आइडिया नहीं है। ये वाला टमेटो पापड़ है, कैरेट का पापड़ मैंने देखा, मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखा था। एंड बीटरूट का मैंने देखा था पापड़, बीटरूट का मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन टमेटो एंड कैरेट का पापड़ बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे ऐसे ही। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में मैंने जो भी रखा हुआ है यहाँ पे ये जो है, इसमें जो भी बड़ा बड़ा मैगी का पैकेट अगर कभी ले आते हैं ये महेंद्र, तो एक साथ तो पूरा यूज नहीं होता, तो ये वाले बॉक्स में वो सारा कुछ है। यहाँ पे उड़द दाल है रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आटा है, एंड यहाँ पे जो मसाले होते हैं उसको मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, इसमें चना मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, जितने तरह के मसाले होते हैं सारा कुछ यहाँ पे है। एक बार दिखा देती हूँ, एंड ये वाला इतना, ये सारा कुछ मसाला यहाँ पे है। एंड कुछ कुछ स्पाइसेस भी मैंने अलग से रखे हुए हैं, जो कि जैसे पेपर हो गया उसको ग्राइंड करना होता है, अभी नहीं किया, बातें करूंगी। ये सारा कुछ हो गया। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें मैंने स्नैक्स कुछ कुछ जो कि बड़े बड़े पैकेट्स है उसको ऐसे ही रखा हुआ है, उसको खोल के फिर डब्बे में मैंने नहीं रखा क्योंकि जिपलॉक होता है उसमें, वो हो गया। एंड ये तो ये वाला ना 2 किलो का आटा में मुझे मिला था, ये वाला मैं लेकर आई थी। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जो एक ही मेरे पास जो नमक का बॉटल है उसमें पूरा नमक नहीं आता, तो ये वाला मैं थोड़ा सा ऐसे पैक करके फिर इसको रख देती हूँ यहाँ पे। एंड ये वाला जो है इसको बोलते इडली पोड़ी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब इडली के साथ ये वाला पाउडर में थोड़ा सा आप ऑयल डाल के इसको आप खा सकते हो, ऐसा मिलता है तमिलनाडु में स्पेशल मिलता है, मेरे मम्मी के यहाँ साइड में ससुराल में उड़ीसा साइड में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे घर पे भी ये लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये वाला सेक्शन ऐसे हो गया। एंड ये वाला पूरा यहाँ पे है ग्रोसरी का जो एक्स्ट्रा सामान है, अभी कोरोना के चलते बहुत ज्यादा ज्यादा लाके रखना पड़ता है ये वाला। एंड ये वाला एक स्टील का है यहाँ पे, इस तरफ दिखेगा आपको यहाँ पे, ये वाला जो स्टील का है इसमें मैंने रखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा सामान घर का, जो भी राशन वगैरह है। ये चावल यहाँ पे एक पैकेट, वहाँ पे एक पैकेट है चावल, छोटा छोटा दो पैकेट। इसको ये नीचे वाले सेल्फ में, उसमें मैंने यहाँ पे एक तरफ तो चावल रह गया था वहाँ पे, एंड वो बाकी का जो भी पोर्शन बचा था वहाँ पे, ये यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास कढ़ाई थे वो सारा यूज मैं नहीं कर रही हूँ अभी, तो इसी के लिए एक जगह पे रख दिया है। एंड ये वाला इडली बनाने के लिए मेरे पास, मैं जो प्रॉपर वाला जो आता है वैसा नहीं है, मैं इस तरह का यूज करती हूँ इडली बनाने के लिए। एंड यहाँ पे मिक्सी जार हो गया, एंड बाकी तीन जो भी जार है एक ही जगह पे मैंने रखा हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे पूरा किचन का जो एक ही सेल्फ दिया गया है यहाँ पे, वहाँ पे दाल चावल मूंग दाल ये सारा कुछ एक ही जगह पे मैंने इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे किचन काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे एल शेप में जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का एल शेप में ये वाला है। तो
एक कॉर्नर में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मिक्सी जार, यहाँ पे ये वाला, एंड उसके पास है यहाँ पे एक वाइट कलर का स्टैंड जो कि जिसमें मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं, कप्स है, एंड नीचे बस एक कैंडल रखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके पास यहाँ पे जो भी एक स्टैंड है उसमें बर्तन हो गया, नाइफ हो गया, सीजर, वो सब कुछ मैंने एक ही स्टैंड पे रखा हुआ है। गैस ये वाला थ्री बर्नर वाला मेरे पास है, तीन वाला। उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आटे का जो होता है वो वाला रखा हुआ है सामान रोटी बनाने का। उसके बाद यहाँ पे स्पाइसेस बॉक्स जो भी था वो वाला एक कॉर्नर पे है, एंड उसके पास यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है इसमें सूखा लाल मिर्च। एक्चुअली वो जो मैंने आपको दिखाया था कबर्ड में एक बड़े डब्बे में मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, बट तड़का डालने के लिए अचानक से कभी कभी चाहिए होता है तो पास में इसमें मैंने जार में रखा हुआ है। ये हो गया, उसमें घी, तेल वगैरह एंड नमक एक ही जगह पे ट्रे में मैंने रखा है। उसके बाद स्पून स्टैंड है, एंड यहाँ पे तीन पानी का बॉटल रहता है, फ़िलहाल यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे आरओ का फिक्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं एक रखती हूँ, यहाँ पे जो कॉकरोच वाला आता है वो वाला मैं रखती ही हूँ हमेशा रात को थोड़ा सा यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बस जो भी है ये जो सब्जी वगैरह साफ़ करने के लिए, फिर चावल धोने के लिए जो होता है वो वाला बस है। तो काउंटर में मैंने बस इतना ही सामान रखा हुआ है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग ये नीचे वाले जो भी है सेल्फ, ये वाला मॉड्यूलर नहीं है तो बस ऐसे कबर्ड लगा दिया गया है, लेकिन पूरा ओपन है ये वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपके किचन में ना एक कॉर्नर ऐसा होगा जिसमें कि आप कोई सामान नहीं रख सकते हो, लेकिन आप ऐसे जो भी मैंने यहाँ पे ये वाला कॉर्नर में अगर मैं कुछ रखती हूँ तो मेरे को मिलता नहीं है। तो इसी के लिए ये जो राइस कुकर है एंड एक मेरे पास कढ़ाई था मेयर का, तो वो दोनों बॉक्स के साथ ही मैंने वहाँ पे रख दिया है क्योंकि मैं वो उतना यूज़ नहीं करती हूँ। एक ये वाला स्टैंड में जो भी बर्तन है वो मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो नीचे वाले ये वाले में यहाँ पे कुछ मेजरिंग कप्स रखे गए हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ स्पून्स है, एंड जो भी यहाँ पे जूस बनाने के लिए है, रोटी बनाने वाला है तो ऐसे ही अदरक का जूस निकालने के लिए मेरे पास है, तो वो सब कुछ एक ही मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला एक बास्केट में मैंने जो आटा रोटी बनाने का एक तवा हो गया, डोसे का एक तवा, एंड कुछ कुछ बर्तन अलग अलग से है, प्लेट्स छोटे छोटे बड़े, एंड दो तीन टिफ़िन बॉक्स मेरे पास है जितना मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल अभी के लिए, मेरे को डेली चाहिए होता है उतना मैंने इसमें रखा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं रख रही हूँ। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद इस सेक्शन में ये साइड में दो डोर है, तो यहाँ पे मैं जो दो कुकर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे एक और कुकर है जो कि मैंने ऊपर रख दिया है फिलहाल अभी, एंड यहाँ पे एक डाइनिंग सेट है उसको स्टील वाला है ये वाला, मैंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे सिंक है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं रख रही हूँ, एंड ऐसा छोटा सा यहाँ पे पोर्शन दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें मैं जो भी मेरा यूटिलिटी का सामान है उसको मैं एक ऐसे बॉक्स में डाल के उसमें रख रही हूँ यहाँ पे। ये वाला सब एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे ये रख रही हूँ। कुछ वॉशिंग मशीन का जैसे कि लिक्विड हो गया वो है यहाँ पे, सोप एक्स्ट्रा वाला है यहाँ पे, जो सैनिटाइज़र कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सारा कुछ यहाँ पे रखा गया है। ये पीताम्बरी पाउडर है जो कि पूजा वाला बर्तन स्पेसिफिकली साफ करने के लिए होता है, वो वाला हो गया। पीछे विम का एक लिक्विड है बड़ा सा, तो ऐसे अगर आप कोई भी बॉक्स में रखते हैं ना कंटेनर में तो आपको बहुत ही ईजी रहता है निकालने के लिए। उसके बाद ये वाले पोर्शन में जो कि डिश वॉशर है यहाँ पे, एंड यहाँ पे किचन स्प्रे रखा गया है, एक कॉलिन रखा गया है, न्यूज़पेपर रखी हूँ मैं यहाँ पे ऐसे बिछाने के लिए कभी ज़रूरत होता है तो, एंड कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने जो स्क्रबर होता है वो मैंने रखा गया, तो रखा हुआ है। एंड इतने पोर्शन में बस इतना ही सामान है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया कबर्ड का जितना भी सामान था। ये डस्टबिन का रैपर है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पुराने, मतलब लास्ट एक और जो पहले वाले घर का मैंने किचन डेकोर करवाया था ना, तो उसमें एक सवाल बहुत ज्यादा आया था, अभी भी उसमें ये सवाल आता है कि ये वाला जो मिक्सर जार है उसका ये वाला कवर कहाँ से लेकर आई थी मैं। तो ये मम्मी लेकर आई थी, मेरी मम्मी, वो उड़ीसा से लेकर आई थी, एंड आई थिंक 200 रुपए के अंदर ही उनको मिला होगा, 150-200 उतने में, या फिर हम लोग चेन्नई से लेकर आए थे, मुझे भी याद नहीं, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि उड़ीसा से लेकर आई थी, पता नहीं मिलता होगा, आई थिंक कोई ऐसे जो शॉप होते हैं वहीं से मिला होगा, आई थिंक उनको उनको थोड़ा सा ये नॉलेज रहता है कि ये सब कहाँ से लेना है क्या, उनको दिख जाता है बहुत इजीली। इसके बारे में पहले वाला अगर आप किचन टूर चेक करेंगे ना, भर के वहां पे सवाल था कि आपने वो वाला मिक्सर जार का कवर जो है वो कहाँ से लिया। एक और ये वाला है कि ये आपने कहाँ से लिया, ये जो स्टैंड है ये मैंने यहाँ से एक जैसे डीमार्ट होता है ना उस तरह से, यहाँ पे भी एक संतोष करके एक है शॉप है,
एंड वहां से मैंने लिया था 350 या फिर ऐसा कुछ हुआ था। उसका स्टिकर मैंने अभी अभी निकाला है, 2-3 साल ऐसे ही स्टिकर का ही था, मैं यूज कर रही थी कल 2-3 दिन पहले। मैं जब इसको साफ किया, मैंने इसको क्लीन किया है, 350 ये वाला था, ये मैं लेकर आई थी। तो ये दोनों चीज का सवाल लास्ट वाले ब्लॉग में बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगा इसमें शायद किसी को डाउट होगा, तो मैं पहले बता देती हूँ। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, एंड अच्छा लगा तो गाइस लाइक जरूर करना। मिलती हूँ मेरे अगले वाले ब्लॉग में कल, बाय, ठीक है।